नमस्कार दोस्तों, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें सर्व संबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि एमबीए फुल टाइम, एमबीए एचए, एमबीए एचआर एचआरडी, एमबीए एफए, एमबीए सीएसएमएम फाइन एंड फार्मा, एमबीए ई कॉमर्स, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीए टीए सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर एक्स एंड एटीकेटी स्टूडेंट फॉर एसओएस सीबीसीएस सिस्टम एग्ज़ाम जून 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं। इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं एमबीए के अलग अलग कोर्सेस के, उन सभी के फॉर्म भरने की जो डेट है आ गई है। इसमें सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एमबीए के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 20 जून 2022, और ₹300 लेट फीस के साथ आप 21 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं, और ₹500 लेट फीस के साथ आप 22 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि फ़ीस क्या होगी। तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर फॉर एसओएस ऑल ब्रांच, जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी में एमबीए के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस होगी, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फीस है ₹2180। भूतपूर्व छात्र अगर हैं, एक्स स्टूडेंट है, तो ₹2500। एटीकेटी एक विषय में है तो ₹980 होगा। अब एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं ऑल ब्रांच के, उनकी फ़ीस जो होगी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए ₹2680, एक्स स्टूडेंट हैं तो ₹3000, एटीकेटी एक विषय में आती है तो ₹980। और इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपको फॉर्म भरना है, और एमपी ऑनलाइन के किसी भी क्यूर सेंटर से आप जो है परीक्षा शुल्क अपना जमा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है, उसका प्रिंटआउट लेके हार्ड कॉपी आपको आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है, बी इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स एंड कंप्यूटर साइंस एट्थ सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी एक्स स्टूडेंट एग्ज़ाम जून 2022 के लिए। तो डेट जो है बढ़ा दी गई 17 जून 2022 तक, और बाकी आप देख सकते हैं और फीस आप चेक कर सकते हैं। इसमें बी इलेक्ट्रिकल केमिकल कंप्यूटर साइंस एंड एट्थ सेमेस्टर, तो इस संबंध में है तो आप चेक कर सकते हैं। इसकी डेट बढ़ा दी गई है और ये रिवाइज नोटिफिकेशन है, बाकी आप चेक कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है। और आइए देखते हैं संबंध में नेक्स्ट जी। और ये नोटिफिकेशन है एमजेएमसी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि आपका कोर्स होता है पत्राचार से रिलेटेड, पत्रकारिता से रिलेटेड। और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं रेगुलर एक्स एंड एटीकेटी स्टूडेंट के लिए फॉर एसओएस सीबीसीएस सिस्टम एग्ज़ाम जून 2022 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 20 जून 2022 तक, और फिर ₹300 लेट फीस के साथ 21 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं, और ₹500 लेट फीस के साथ 22 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आइए जान लेते हैं कि फ़ीस क्या होगी। तो जो स्टूडेंट है एमजेएमसी सेकेंड सेमेस्टर फॉर एसओएस के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस होगी ₹1500। भूतपूर्व छात्र हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, ₹1820। एटीकेटी एक विषय में है तो ₹980 लगेगा। और सेकंड सेमेस्टर के बाद आते हैं एमजेएमसी फोर्थ सेमेस्टर फॉर एसओएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रेगुलर स्टूडेंटों की फ़ीस ₹2000 होगी। भूतपूर्व एक्स स्टूडेंट हैं, भूतपूर्व छात्र हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, तो ₹2320 लगेगा, और एटीकेटी एक विषय में है तो ₹980 का एग्ज़ाम फीस है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फीस जमा करनी है, और हार्ड कॉपी आपको मार्कशीट की सभी फ़ोटो कॉपी लगा के कॉलेज में सबमिट करना है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। इसमें जो स्टूडेंट हैं एमसीएस सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर एक्स एटीकेटी स्टूडेंट्स फॉर एसओएस सीबीसीएस सिस्टम एग्ज़ाम जून 2022 के लिए, तो जो एमसीए के मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं,
और जिनका सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम होने हैं, CBCS सिस्टम से तहत है। रेगुलर एक्स एटी के टी स्टूडेंटों के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 20 जून 2022, 300 रुपये लेट फीस के साथ 21 जून 2022, और 500 रुपये लेट फीस के साथ 22 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस जान लेते हैं। MCS सेकंड सेमेस्टर फॉर SOS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फीस होगी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए 1900 रुपये, भूतपूर्व छात्र हैं एक्स स्टूडेंट हैं तो 2220 रुपये, एटी के टी अगर एक विषय में आती है तो 980 रुपये। अब MCA फोर्थ सेमेस्टर फॉर SOS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फीस होगी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए 2400 रुपये, भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट हैं तो 2720 रुपये, एटी के टी एक विषय में आती है तो 980 रुपये। MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और MP ऑनलाइन की उसमें आप फीस जमा कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है स्नातकोत्तर MA MCOM MSc चतुर्थ सेमेस्टर अध्ययन शाला के नियमित भूतपूर्व एटीकेट परीक्षार्थी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के तहत जो परीक्षा होने वाली है जून 2022 के लिए, तो उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इस प्रकार से है। ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है जिसमें आपके पास एक अंतिम अवसर है। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए है कि 500 रुपये लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं 16 जून 2022 तक, ठीक है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है, एक जो आखिरी अवसर है इसका आप भर सकते हैं और फीस आप चेक कर सकते हैं। MA सेकंड और MCOM फोर्थ सेमेस्टर के जो हैं इस प्रकार से फीस है, और MSc फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट हैं MA MCOM और MSc के, ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और इसमें रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है जिसमें स्नातकोत्तर यानी PG के जो MA MCOM MSc द्वितीय सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अध्ययन शाला के नियमित भूतपूर्व ATKT परीक्षार्थी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS परीक्षा जून 2022 में जो शामिल होना चाह रहे हैं, तो परीक्षा आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि होगी 20 जून 2022 तक, ठीक है। MA MCOM और MSc द्वितीय सेमेस्टर अध्ययन शाला के नियमित, ध्यान दीजिएगा, SOS के जो स्टूडेंट हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत जिनका है, तो लास्ट डेट 20 जून है, 21 जून तक आप 300 रुपये लेट फीस के साथ और 22 जून तक 500 रुपये लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। MA MCOM सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस रेगुलर स्टूडेंटों की 1315 है, भूतपूर्व छात्रों की 1635, एटी के टी की 980 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए। MSc सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस देख लेते हैं, रेगुलर स्टूडेंटों की 1840, भूतपूर्व छात्र हैं एक्स स्टूडेंट है तो 2160, एटी के टी एक विषय में आती है तो 980 रुपये, इस तरह से फीस है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये PG जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के रेगुलर या प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट जो कॉलेज के हैं उनके लिए है MA MCOM MSc MSc होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हैं 500 रुपये लेट फीस के साथ 16 जून 2022 तक, बाकी ये चेक कर सकते हैं आप फीस इस तरह से। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा उनके लिए एक अंतिम अवसर है, तो फॉर्म भर सकते हैं ताकि वो एग्ज़ाम दे पाएँ, और फीस आप चेक कर सकते हैं। MA MCOM फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर, MA MCOM फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट के स्टूडेंट, जिन्होंने भी नहीं दिया है या बच गए हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आप भर सकते हैं फॉर्म। MSc होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर के स्टूडेंटों की फ़ीस आप देख सकते हैं, और MSc मैथमेटिक्स MSc होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट के स्टूडेंटों की फ़ीस, ठीक है, इस तरह से है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है जो MA MCOM MSc MSc होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर के, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं कॉलेज के रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर्म भरने की डेट है 20 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं 300 रुपये लेट फीस के साथ 21 जून 2022 तक, और 500 रुपये लेट फीस के साथ 22 जून 2022 तक। MA MCOM सेकंड सेमेस्टर रेगुलर की जो फ़ीस है आप देख सकते हैं
और उसके बाद MA M.Com सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट की फ़ीस है ये, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका कोर्स है और जो भी सिलेबस है और जो भी आपका सेमेस्टर है। MA MSc होम साइंस सेकंड सेमेस्टर रेगुलर का फ़ीस इस प्रकार से है, और MSc मैथमेटिक्स और MSc होम साइंस सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट का एग्ज़ाम फ़ीस इस प्रकार से है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2022 फॉर SOS रेगुलर स्टूडेंटों के लिए। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 16 जून 2022। 300 रुपये लेट फीस के साथ 17 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं, और 500 रुपये लेट फीस के साथ 18 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये रिवाइज नोटिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के स्टूडेंटों के लिए है। परीक्षा शुल्क है 2,915 रुपये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए फॉर्म भरने का ये नोटिफिकेशन। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट लेना है और बाकी डॉक्यूमेंट लगा के आपके डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और ये टाइम टेबल है स्नातक यानी BA एवं BSc प्रथम वर्ष नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित महाविद्यालय के नियमित अंशागत यानी प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट नियमित एवं भूतपूर्व परीक्षार्थी एवं स्नातक BA BSc प्रथम वर्ष पुरानी पद्धति पर आधारित महाविद्यालय के नियमित और असंस्थागत यानी प्राइवेट पूरक परीक्षा द्वितीय अवसर परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में सम्मिलित होने के लिए। तो इन्होंने इस ये जो भी रेगुलर और प्राइवेट के स्टूडेंट हैं और नई शिक्षा पद्धति पर और पुरानी शिक्षा पद्धति पर आधारित जो हैं पेपर होंगे तो चेक कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है BA BSc प्रथम वर्ष, ठीक है, या BA BSc प्रथम वर्ष पुरानी पद्धति के, ठीक है, तो लास्ट अवसर है 500 रुपये लेट फीस के साथ 17 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है किसी कारण से, तो एक अवसर है जिसमें आप 500 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर रेगुलर की फ़ीस इस प्रकार से होगी, और नवीन शिक्षा पद्धति पर और पुरानी शिक्षा पद्धति पर आधारित सप्लीमेंट्री होगा। बाकी जो भी पेपर आपके होंगे वो नई शिक्षा पद्धति पर होंगे। फिर BA फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंटों को भी आप देख सकते हैं फ़ीस क्या है, और नई शिक्षा पद्धति और पुरानी शिक्षा पद्धति से सिर्फ पूरक परीक्षाएं होंगी, बाकी जितने भी फ्रेश एग्ज़ाम होंगे वो नई शिक्षा पद्धति पर आधारित होंगी। BSc फर्स्ट ईयर रेगुलर के स्टूडेंटों की फ़ीस कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। फिर BSc फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंटों की फ़ीस इस प्रकार से है। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि समस्त महाविद्यालयों के जो प्राइवेट स्टूडेंटों को के असंस्थागत छात्र उस जिस महाविद्यालय से स्नातक प्रथम वर्ष का नामांकन पंजीयन कराया गया है उसी महाविद्यालय से स्नातक प्रथम वर्ष का असंस्थागत परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। यानी जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट हैं जहाँ से उन्होंने अपना नामांकन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराया है जिस कॉलेज से, उसी कॉलेज से उनको फॉर्म अप्लाई करना है फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, और जो भी स्टूडेंट हैं बी लिव यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड एम लिव यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी सेकंड सेमेस्टर रेगुलर XNATKT स्टूडेंट्स फॉर SOS स्कूल ऑफ स्टडीज CBCS सिस्टम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एग्ज़ाम जून 2022 के लिए, जो भी लाइब्रेरी कोर्स के स्टूडेंट हैं बी लिव और एम लिव के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट उन भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 20 जून 2022। 300 रुपये लेट फीस के साथ 21 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और 500 रुपये लेट फीस के साथ 22 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। बी लिव यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन जो है लाइब्रेरी साइंस इस सेकंड सेमेस्टर जो SOS के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस होगी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए 2,085 रुपये। भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट हैं तो 2,405 रुपये, और ATKT अगर एक विषय में आती है तो 980 रुपये। अगर एम लिव की बात कर लें तो एम लिव फोर्थ सेमेस्टर SOS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस होगी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए 2,235 रुपये। एक्स स्टूडेंट हैं तो 2,555 रुपये। ATKT अगर एक विषय में आती है तो 980 रुपये। इस तरह से परीक्षा शुल्क है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है MP ऑनलाइन के माध्यम से।
प्रिंट आउट लें, बाकी सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी लगा के हार्ड कॉपी आपके डिपार्टमेंट या SOS में सबमिट करें। तो बस इतना ही है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस सेमेस्टर है, आप चेक करें और उसके अनुसार से फॉर्म अप्लाई करें। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।